नमस्कार चुनावी क्लास में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा देश की राजनीति में मणिपुर मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है इस मामले में संसद में पहले दोनों ही दिन काफी हंगामा देखने को मिला और उसकी वजह से लगातार दूसरे दिन भी सदन की कार्रवाई नहीं हो पाई सरकार मणिपुर पर राज्यसभा में नियम एक के तहत चर्चा कराने के लिए तैयार है और विपक्ष पर चर्चा से दूर भागने का आरोप भी लगा रही है वहीं विपक्ष नियम दो के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़ा हुआ हुआ है चुनावी क्लास में आज हम बात करेंगे कि सदन में किसी मुद्दे पर चर्चा कराने के इन्हीं दो नियमों की बात क्या है इन्हीं दो नियमों के बारे में हम आपको बताएंगे मणिपुर में दो महिलाओं को खुलेआम निर्वस्त्र घुमाने की तस्वीरें आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया था जहां खुद प्रधानमंत्री सत्र की शुरुआत से ठीक पहले इस पर बयान दे चुके हैं वहीं विपक्ष मणिपुर की स्थिति पर संसद में चर्चा कराने की मांग कर रहा है सरकार भी इस चर्चा के लिए तैयार है लेकिन चर्चा के फॉर्मेट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठनी हुई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी हम पूरी जैसी गंभीर घटना के प्रति चर्चा होना चाहिए उसके प्रति प्रतिपक्ष गंभीर उधर विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि राज्य में एम बीरेन्द्र सिंह की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए दोनों ही सदनों में नारेबाजी का दौर लगातार जारी है राज्यसभा में विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति से अनुरोध किया है कि नियम दो के तहत इस मुद्दे पर चर्चा की जाए केंद्र सरकार का मानना यह है कि चर्चा करने के लिए नियम एक काफी है इन नियमों का उल्लेख राज्यसभा की नियमावली रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स में दिया गया है आइए समझते हैं कि चर्चा के इन दो नियमों में क्या अंतर है जिसकी वजह से सरकार और विपक्ष के बीच टकराव इस हद तक बढ़ गया है पहले समझ लेते हैं नियम एक को नियम एक के जरिए किसी भी खास मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन किया जाता है राज्यसभा के सभापति के द्वारा अगर किसी मुद्दे पर नियम एक के तहत चर्चा कराने की इजाजत दी जाती है तो उस मुद्दे पर नियमत ढाई घंटे तक चर्चा हो सकती है इस नियम के लिए सदन के किसी भी सदस्य को एक नोटिस देना होता है जिसमें यह बताया गया होता है कि आखिर इस विषय पर नियम एक के तहत चर्चा क्यों की जाए यानी कि विषय का की जो महत्ता है उसका उल्लेख करना होता है इस नोटिस पर कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए जो इस नियम के तहत उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कराने पर रजामंद हो वहीं सभापति के द्वारा नियम दो लागू होने पर सदन में पूर्व निर्धारित कामकाज एजेंडे को रोककर किसी एक खास मुद्दे पर ही चर्चा कराई जाती है और उस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं ये नियम लागू होने के बाद सिर्फ उसी खास मुद्दे पर बात हो सकती है यानी अगर राज्यसभा में मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार पर सभापति ने नियम दो लागू किया तो सिर्फ इसी मुद्दे पर दिन भर चर्चा होनी है नियमावली कहती है कि कोई भी संसद सदस्य सभापति के सामने इस नियम के अंतर्गत चर्चा करने का प्रस्ताव रख सकता है सभापति ने यह नियम लागू किया तो संसद के समक्ष दूसरे सूचीबद्ध एजेंडे निलंबित कर दिए जाएंगे इस नियम की महत्ता यूं भी समझी जा सकती है कि राष्ट्रीय महत्व के इस मसले पर चर्चा के बाकी सभी विषय या चर्चाएं रोक दी जाती हैं। इससे ये संदेश जाता है कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है यही मुद्दा इसके बाद सदन में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर संबंधित मंत्री को जवाब भी देने होते हैं तो जाहिर है नियम दो के तहत चर्चा कराने पर सरकार की किरकिरी होने का अवसर ज्यादा रहता है क्योंकि मणिपुर के हालात लंबे समय से खराब बने हुए हैं और पूरा राज्य जातीय हिंसा की आग में रहा है संसद के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1990 से 2016 के बीच ऐसे 11 अवसर आए हैं जब अलग अलग विषयों पर नियम दो का इस्तेमाल किया गया है अंतिम बार साल 2016 में तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी ने नोटबंदी पर बहस के लिए नियम दो की इजाजत दी थी जबकि अंसारी साहब के बाद वेंकैया नायडू ने अपने छह साल के कार्यकाल में एक भी नोटिस नियम दो के तहत स्वीकार नहीं किया चुनावी क्लास में आप भारतीय लोकतंत्र में चुनावों राजनीतिक दलों और शासन प्रणालियों से संबंधित ऐसी ही रोचक मानक और ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल कर सकते हैं चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप चुनाव आज तक वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार